बस्ती जिले के जयजयपुर विधानसभा क्षेत्र से बसपा प्रत्याशी केशव चंद्रा ने शुक्रवार को नामांकन दाखिल किया है। केशव चंद्रा ने जयजयपुर से दो बार जीत दर्ज की है और बसपा से चौथी बार चुनाव लड़ेंगे। ने जयजयपुर विधानसभा से केशव चंद्रा जी को प्रत्याशी बनाया है। केशव चंद्रा जी आज नामांकन भरने कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं। नामांकन दाखिल करने के बाद हम सीधे तौर पर केशव चंद्रा जी से बात करेंगे। आप पिछले दो बार से विधायक रहे हैं, जयजयपुर विधानसभा में किस प्रकार से विकास हुए? जयजयपुर में जितने भी मूलभूत की आवश्यकता है, चाहे गाँव में सिंची रोड नाली हो, स्कूल बिल्डिंग की बात हो, और शिक्षा के क्षेत्र में हमारा पहला प्राथमिकता था, उसके अंतर्गत दो दो ITI, एक कॉलेज खुलवाए हैं, कई हाई स्कूल हायर सेकेंडरी भी जो है वहाँ खुला है। इनके साथ ही साथ राजस्व के मामले में लोगों को सुविधा हो, इसके लिए जयजयपुर विधानसभा में 3 नए तहसील और 2 उप तहसील भी जो है खुलवाए हैं, अनेकों पुल पुलिया ये तमाम निर्माण करवाए हैं। फिर भी विकास तो निरंतरता है, लगातार आप जनसंपर्क कर रहे हैं, किस प्रकार से आपको लोगों को समर्थन मिल रहा है? लोगों का भयानक आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, लोग जो है आशीर्वाद दे रहे हैं और तीसरी बार बनाने के लिए जो है जनता कृत संकल्पित है। तीसरी बार आप विधायक बनते, किस प्रकार से जयजयपुर विधानसभा को विकास को लेकर आपकी रणनीति रहे? देखिए, जैसे जैसे वहाँ विकास की आवश्यकता लोगों के मांग के अनुरूप आएगा, हम वहाँ विकास करते रहेंगे। हमारी प्रमुख लड़ाई मजदूर और किसानों का है, क्योंकि मजदूर और किसान के कोई नेता नहीं है प्रदेश में। ऐसे परिस्थिति में सदन में भी हमारा वही विषय रहता है और सदन के बाहर सड़क में भी लड़ाई मजदूर और किसानों का रहता है, तो मजदूर और किसान की समस्याओं को प्राथमिकता से जो है पूरा करेंगे। देखा जाए तो जयजयपुर में चतुष्कोणी मुकाबला होने वाला है, किस प्रकार आप इनको देखेंगे? देखिए, अब जितने उम्मीदवार रहेंगे उतना कोण आप समझ सकते हैं उसको। चतुर्थकोणी क्यों बोल रहे हैं, जब फार्म डलाएगा और नाम वापसी लेने का दिन आएगा तो जितने उम्मीदवार रहेंगे उतने कोण का मुकाबला होगा। राजीव लोचन साहू, INX 24/7 शक्ति।